हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपने किसी भी बैंक से NBFC कंपनी से 50 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो क्या 50 लाख रुपए तक के लोन को सेटलमेंट करवाया जा सकता है, माफ़ करवाया जा सकता है, या कहने का मतलब है कि अगर हम उस पैसे को नहीं दे पाए, हमने किसी भी बैंक से NBFC कंपनी से 50 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन ले रखा है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारे साथ बैंक क्या कर सकता है। पूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझाइए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 50 लाख रुपए तक का लोन लिया है, 50 लाख से ज़्यादा तक का, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हम आज के वीडियो में आपको हम सिर्फ 50 लाख के बारे में नहीं बताएंगे। देखिए, जब भी कोई लोन लेता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे अमाउंट है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला अमाउंट जो होता है कि जब हम लोग 1 लाख रुपये से ऊपर लेते हैं, फिर 5 लाख तक का, 10 लाख का, 20 लाख का, और उसके बाद जो एक शुरू होता है 50 लाख का, 20 लाख से लेके 50 लाख तक का। ये सारे लोन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि अगर आपका कोई भी लोन अमाउंट अगर 50 लाख से कम का है तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको बैंक लोन नहीं देने के क्रम में आपको जेल पहुँचा सकता है, अगर आपने कोई दस्तावेज गलती नहीं दिया है। अगर आप फ्रॉड करने के इरादे से वो लोन नहीं लेते हो तो किसी भी सूरत हाल में सिर्फ EMI नहीं देने के कारण आपको कोई भी सज़ा नहीं होती है। तो अब समझना है कि 50 लाख के ऊपर क्या हो जाती है। देखिए, 50 लाख के ऊपर भी होती है, पर आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसको पूरा सज़ा मिला है या पूरा पेनल्टी लगा है। ये तब होता है जब कस्टमर उसको इंटरटेन नहीं करता। मान लीजिए आपका 50 लाख के ऊपर का लोन है तो आपको बैंक से बात करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉर्पोरेट लोन होता है ये, आपको बैंक से बात करना होगा। क्योंकि देखिए, एक लोन में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं जो आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, छोटे लोन में क्या होता है कि जब आपका लोन NPA होता है तो बैंक को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो जबरन आप पे दबाव बना के पैसे मांग लेता है। पर जब बात बड़े लोन की होती है, बड़े अमाउंट्स की होती है, तब जितना दबाव आप पे होता है उससे कई ज़्यादा दबाव बैंक पे भी होता है, तो बैंक आपकी बातें सुनता है। तो हम लोग हर लोन के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे, और ख़ास करके 50 लाख के ऊपर वाले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छोटे लोन के बारे में। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि कोई भी लोन हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, बैंक आप पे कोई भी कार्रवाई जो करेगा वो NPA में जाने की बात करेगा। तो सबसे पहले प्रयास करिए कि आपका लोन अकाउंट NPA में ना जाए। अगर आपका लोन अकाउंट NPA में चला जाता है तो उसके बाद जो भी आपको नोटिस आ रहा है, देखिए बैंक जब भी आपके लोन को डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको नोटिस भेजता है, और कस्टमर क्या करते हैं, लगातार सारे नोटिस को इग्नोर करते हैं। देखिए, नोटिस को इग्नोर नहीं किया जाता है, बैंक बेवकूफ़ है, आपको क्यों नोटिस भेज रहा है वो। अगर मान लीजिए नोटिस का कोई मतलब ही नहीं होता तो बैंक तो सीधे जाके कार्रवाई कर लेता, पर ऐसा नहीं होता है कि बैंक जब भी कार्रवाई करने जाता है तो उसे पूछा जाता है कि आप जो ये कार्रवाई करने जा रहे हो, लीगल कार्रवाई करने जा रहे हो, इससे पहले कि आपने कस्टमर को सूचना दिया था कि आपने EMI नहीं दिया जिसके कारण आप पे ये कार्रवाई हो रहा है, इसकी जानकारी क्या कस्टमर को है? तो कस्टमर को घर घर जाके तो बोलेगा नहीं वो, तब कस्टमर को नोटिस के माध्यम से ये चीज़ बताया जाता है। तो बैंक जो आपको नोटिस भेज रहा है वो सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि वो अपने साइड को क्लियर करना चाहता है। तो आपके पास जितने भी नोटिस आते हैं उसको जवाब दीजिए। अब बात करते हैं, देखिए 1 लाख से कम के लोन में, तो 1 लाख से जितने भी कम के लोन हैं इसमें जो लोग परेशान होते हैं या परेशान नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोन जो होते हैं बैंक अपने हेड से सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर आप इतने लोन को नहीं दोगे तो बैंक आपके ऊपर कोई पीछे पड़ के केस नहीं करने जा रहा। और ये मैं 1 लाख की नहीं बात कर रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए तक के होते हैं। देखिए, कोई भी बैंक NBFC कंपनी मान लीजिए 5 लाख से तक का लोन है, उस पर अगर आप पे लीगल कार्रवाई करेगा, मान लीजिए सेक्शन 138 का हुआ, 25A का केस हुआ, तो केस तो आज नहीं चला, और केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अगर लेके जाता है तो वहाँ पे बैंक का भी खर्चा है, और यो जिस पार्टी पे हुआ वो पार्टी भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो कभी भी जो 5 लाख के नीचे के जो लोन होते हैं, बैंक ज़्यादातर प्रयास करता है कि इसको 1 से 2 लाख में सेटलमेंट करके हटा लो। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि इसको मेंटेन करने में उसका भी खर्च है। अगर मान लीजिए 5 लाख के लोन को उसको 2 लाख में सेटलमेंट करना है, और 2 लाख रिसीव करने के लिए अगर 2 लाख रुपये खर्च कर रहा है, किस बात का फ़ायदा। तो बैंक ऐसे लोन को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता। अगर इसमें भी आप पेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक ऐसे लोन को राइट ऑफ करके हटा देता है। अब बात होते हैं 10 से 20 लाख तक के लोन को। देखिए, 10 से 20 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हो तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऐसे लोन को सेटल किया जाता है। 10 लाख का लोन है तो 4 लाख में, 20 लाख का लोन है तो ऐसे लोन को 8 लाख में, 9 लाख में सेटलमेंट किया जाता है।
ऐसे लोन में भी कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है, ऐसे लोन में समझौता होता है जिसमें आपको लोन सेटलमेंट करने के लिए समय दिया जाता है और इस पूरे समय प्रक्रिया में आपको देना। अगर आप नहीं पेमेंट कर पाते तो ऐसा नहीं है कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, नहीं, वो सेटलमेंट नहीं हुआ। देखिए सेटलमेंट मतलब क्या होता है, एक समझौता है, बैंक हमसे समझौता करने आया था, वो समझौता नहीं हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए आप लोग अपने मन में किसी भी बात को बहुत बड़ा बना के देखते हो कि हमने सेटलमेंट नहीं किया, हमने समझौता नहीं किया तो क्या होगा, ये सिंपली एक समझौता है, आप नहीं किया बात ख़त्म, इसको आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत। अब बात आता है 20 लाख से ऊपर तक के मामले में। देखिए 20 लाख तक के ऊपर के जो मामले होते हैं उसको DRT में ले जाया जा सकता है, और जितने भी 20 लाख से कम के मामले इसको DRT में नहीं लेके जाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी 20 लाख से कम के लोन हैं वहाँ पे बैंक सेटलमेंट करता है, समझौता करता है राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम, पर जितने भी 20 लाख से ऊपर के लोन हैं उसमें समझौता नहीं करना चाहता वो, और यहाँ पे डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्योंकि बैंक को पता है हम DRT के माध्यम से इस पैसे की वसूली कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो बैंक को 12.5% का चार्ज लगता है और बैंक आप पे RC कटवा सकता है, मतलब उन्हें अनसिक्योर लोन को उन्होंने सिक्योर बना दिया। तो जितने भी 20 लाख तक के ऊपर के लोन हैं अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा तो उतना निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख के ऊपर के लोन में RBI भी बोलता है कि आप 6 महीने इंतज़ार करो, ये व्यक्ति लोन नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, इसकी कोई समस्या है क्या है, 6 महीने इंतज़ार करो, अगर 6 महीने के बाद भी अगर आपको ये जवाब नहीं दे रहा है इस पर आप लीगल कार्रवाई करो। पर ये मामले में भी सज़ा नहीं होती है। अब जब 50 लाख तक का जो मामला होता है और 50 लाख के जो ऊपर के मामले होते हैं अगर इसमें आप लोन डिफ़ॉल्ट कराते हो तो एक बड़ा अमाउंट है, और ऐसे मामले में आपको 2 साल की सज़ा और 100% तक का पेनल्टी भी लग सकता है अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो और इसका प्रॉपर जानकारी अगर आप बैंक को नहीं देते हो। इसमें अगर आप बैंक को जानकारी देते हो आपकी कंपनी है वो बैंकक्रप्ट हो गई तो ये पूरी जानकारी बैंक को होनी चाहिए, और बैंक अपने साइड से अगर सीधे तौर पे आप पैसे नहीं देते और उसे कोई जवाब नहीं देते हो 6 महीने के भीतर, तब आपके साथ समस्याएं हो सकती है। इसी भी तरह आपका क्या लोन अमाउंट है आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मेरा इतना लोन अमाउंट है। अगर आपके मन में अगर कोई भी डाउट होता है कि सर मेरा इतना लोन अमाउंट है हम पे क्या हो सकता है कार्रवाई हो सकता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और जितने भी लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको टाइम मिल जाएगा, उस टाइम पे आप हमसे बात करोगे। देखिए कभी भी हमारे देश में लोन रीपेमेंट नहीं करना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाओगे इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है। आपको दरअसल में जब कोर्ट भी बुलाया जाता है तो कोर्ट में भी इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि आप EMI नहीं दे रहे हो, वो जो चेक बाउंस हो गया है उसके बारे में पूछना चाहता है कि आपके मामले ये मामला आपके ऊपर आया आपका क्या कहना है। जब लोग कोर्ट नहीं जाते हैं, जब कोर्ट को एक सिरे से खारिज करने लगते हैं तब जाके जेल वगैरह होता है। तो फिर सिर्फ अपने लोन के बारे में जागरूक रहें, कभी आपको बैंक NBFC कंपनी की तरफ कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।